दोस्तों, ये है गुजरात, जो कि पश्चिमी भारत में स्थित एक राज्य है। इसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, पाकिस्तान से लगी हुई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश इसके उत्तर और उत्तर पूर्व में स्थित है, जबकि महाराष्ट्र इसके दक्षिण में है। अरब सागर इसकी पश्चिमी दक्षिणी सीमा बनाती है, जबकि दक्षिणी सीमा पर दादर एवं नगर हवेली है। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है, जो कि इस राज्य के प्रमुख व्यावसायिक केंद्र अहमदाबाद के नज़दीक में मौजूद है। गुजरात में आवागमन के लिए सड़क मार्ग से लेकर रेल मार्ग, वायु मार्ग और जल मार्ग तक की सुविधाएं मौजूद है। वायु मार्ग की बात की जाए तो गुजरात में डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स के अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी मौजूद हैं। भारत के औद्योगिक राज्य गुजरात में कई सारे एयरपोर्ट्स पिछले 1 से 2 दशकों में बना दिए गए हैं, जबकि कुछ एयरपोर्ट्स का प्रपोजल सरकार को दिया गया है और कुछ एयरपोर्ट्स का वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इन एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल करके गुजरात के लाखों लोग सालाना एक जगह से दूसरे जगह की लंबी दूरी तय किया करते हैं। तो आइए जानते हैं गुजरात के 5 सबसे व्यस्त और प्रमुख एयरपोर्ट्स के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। नंबर 1, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद। दोस्तों, गुजरात के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स की सूची में टॉप पर है अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि सन 1937 में खोला गया था। यह एयरपोर्ट अहमदाबाद के हंसल में सिचुएटेड है नमस्कार और दोस्तों, प्रति वर्ष जो इस कि मैं एयरपोर्ट के माध्यम से 80,026 वायुयानों का परिचालन होता है और लगभग 1,01,37,001 पैसेंजर इस एयरपोर्ट के माध्यम से आवाजाही किया करते हैं। अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 45,000 स्क्वायर मीटर, टर्मिनल 2 41,000 स्क्वायर मीटर, जबकि कार्गो टर्मिनल 3,685 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। इस एयरपोर्ट का ओनर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जबकि इसका संचालन अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। नंबर 2, सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, गुजरात के 5 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स की सूची में नंबर 2 पर आता है सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका एयरपोर्ट कोड ST भी है। इस एयरपोर्ट का स्वामित्व और संचालन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है। इस एयरपोर्ट के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में 12,39,913 यात्रियों ने यात्रा किया था, जबकि 14,462 एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स इस एयरपोर्ट के माध्यम से हुई थी। सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बेंगलुरु, दिल्ली, दुबई, हैदराबाद, कोलकाता, शारजाह, चेन्नई, कोयम्बटूर, दीव, गोवा, इंदौर, जयपुर, पुणे, पुणे, बेलगाम और किशनगढ़ की फ्लाइट मिल जाएगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो और स्टार एयरलाइंस अपने अपने विमान यहाँ से संचालित करते हैं। सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट 770 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इस सूरत के मगदल्ला में सिचुएटेड है। 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा टर्मिनल का एक्सपेंशन का उद्घाटन किया गया, जिसके बाद इसका टोटल एरिया 25,520 स्क्वायर मीटर का हो जाएगा। वहीं कार्गो टर्मिनल का एरिया 1,300 स्क्वायर मीटर का है। नंबर 3, वडोदरा एयरपोर्ट। दोस्तों, गुजरात के 5 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स की लिस्ट में नंबर 3 पर आता है वडोदरा एयरपोर्ट, जिसका एयरपोर्ट कोड है BDQ। इस एयरपोर्ट का संचालन और स्वामित्व एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है। ये वडोदरा के हरनी में मौजूद है और इस एयरपोर्ट के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में 10,88,990 यात्रियों ने आवाजाही किया था। वहीं 7,997 एयरक्राफ्ट के मूवमेंट एयरपोर्ट के माध्यम से की गई थी। इस एयरपोर्ट से एयर इंडिया और इंडिगो के विमानें मौजूद रहती हैं, जो कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, गोवा, हैदराबाद, जयपुर, पुणे इत्यादि जगहों के लिए उपलब्ध है। बड़ोदरा एयरपोर्ट में बनाए गए नए टर्मिनल का एरिया 18,120 स्क्वायर मीटर का है,
जो कि पर आवर 700 पैसेंजर्स को हैंडल कर सकता है, जिसमें 500 डोमेस्टिक और 200 इंटरनेशनल पैसेंजर्स शामिल हैं। नंबर 4, राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, राजकोट के हिरासर में बना राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुजरात के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक है। इस एयरपोर्ट का स्वामित्व एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है। राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एयरपोर्ट कोड है HSR। इस एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, गोवा, इंदौर और पुणे की फ्लाइट्स मिल जाएंगी। इस एयरपोर्ट को सन 2023 में खोला गया था और इस एयरपोर्ट के माध्यम से लाखों यात्री एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। एयरपोर्ट 23,000 स्क्वायर मीटर के वृहद क्षेत्रफल में फैला हुआ है। हिरासर में एयरपोर्ट स्थानांतरित होने से पहले अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के मध्य में 7,70,605 पैसेंजर्स ने इस एयरपोर्ट का यूज करके यात्रा किया था। इसके साथ ही साथ 7,662 विमानों की आवाजाही भी एयरपोर्ट के माध्यम से की गई थी। नंबर 5, जामनगर एयरपोर्ट। गुजरात के 5 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में नंबर 5 पर आता है जामनगर एयरपोर्ट, जिसका एयरपोर्ट कोड है JGA। इस एयरपोर्ट का स्वामित्व इंडियन एयरफोर्स के पास है और ये कस्टम एयरपोर्ट है, जबकि इसका संचालन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। जामनगर एयरपोर्ट से वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में 1,22,215 यात्रियों ने यात्रा किया था। वहीं बात अगर एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स की करें तो 2,060 एयरक्राफ्ट की आवाजाही एयरपोर्ट के माध्यम से हुई थी। जामनगर एयरपोर्ट से मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद की उड़ानें मौजूद है और एयर इंडिया और स्टार एयर की विमानें इस एयरपोर्ट के माध्यम से संचालित की जाती है। जामनगर एयरपोर्ट 35 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसके एकल टर्मिनल एक समय में 150 पैसेंजर्स को हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे गुजरात के 5 सबसे व्यस्त और प्रमुख एयरपोर्ट्स, जिनका इस्तेमाल करके लाखों की संख्या में लोग एक जगह से दूसरे जगह काफी कम समय में पहुंच जाते हैं। इन एयरपोर्ट्स के अलावा भी गुजरात में कई सारे और एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ कई सारे एयरपोर्ट्स का प्रपोजल भी सरकार को दिया गया है और आने वाले समय में ये एयरपोर्ट्स गुजरात में संचालित होने लगेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको गुजरात के 5 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स के बारे में कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आगे भी फ्यूचर में इसी तरह के अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। अगली वीडियो आप किस जगह की देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।